દેવજી, જે રીતે આપણ સાંભળી રહ્યા છો, આફતાબજીને સાંભળી રહ્યા છો, પાકિસ્તાનથી સીધા જ આપણી સાથે જોડાયા છે, હિન્દીમાં જ વાત કરીશું જેથી એ પણ સમજી શકે. અને જયદેવજી, ત્યાંની જનતા પણ ત્રસ્ત છે. એવું નથી કે વિપક્ષ, કારણ કે સત્તાની વિરુદ્ધમાં વિપક્ષ હોય પણ ત્યાંની જનતા જ્યારે ત્રસ્ત હોય તો એ વડા કઈ રીતે શાસન કરી શકે, ત્યાં કેસે કઈ રીતે રાજ કરી શકે. जी एकदम सही कहा आपने, और जैसे आपने कहा वैसे हिंदी में ही बात करेंगे. आफताब जी के साथ भी अभी राब्ता हो रहा है तो बहुत उन्होंने सही बताया है कि कई सारे ऐसे टच पॉइंट्स थे जहां पे इमरान खान खरे नहीं उतरे. मैं आफताब जी थोड़ा इसमें भारत के तरफ का भी एंगल अगर ऐड कर दूं तो ऐसी कई सारी उम्मीदें उनसे रखी जा रही थी या फिर भारत या साउथ ईस्ट एशिया के लोग भी रख रहे थे कि साउथ ईस्ट एशिया में खास करके भारत के साथ अच्छे संबंध कायम करना, या फिर अगर अच्छे नहीं एक पक्षीय रीत से एक अकेली तरफ पाकिस्तान की तरफ से भी सोचे तो पाकिस्तानी के खुद अपने एजेंडा को आगे बढ़ाना, इसमें अगर एक हार्ड लाइनर पाकिस्तानी के नजरिए से भी अगर सोचे तो उसमें भी इमरान खान जो थे वो एकदम फ्रंट फुट पे आके खेले हो ऐसा नहीं लगा है. और इसी के कारण शायद उन्हीं के होने के दौरान ये 370 जो आर्टिकल है उसका एब्रोगेशन का होना और ये सारी चीजें हुई, पर बावजूद उसके इमरान खान एक मजबूत देश के हुक्मरान होने का सिग्नल ना कभी दे पाए. उनका स्लोगन था, आप हमसे शायद ज्यादा जानते हैं, तब्दीली आएगी. ना भारत के साथ रिश्तों में कोई तब्दीली आई, ना पाकिस्तान के ओवरऑल जो उनका इंटरनेशनल पोस्चर था उसमें तब्दीली आई. आफताब जी से एक आखिरी बात करके अपनी बात समाप्त करते हैं यहाँ पे कि अगर आगे जो कुछ भी होता है उस चीज में पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज और हर कोई इंक्लूडिंग पाकिस्तान आर्मी ये मान के चले कि कश्मीर अकेले एक विवादित जगह, अगर उसको विवादित मान के चले तब भी उसको छोड़ के भारत को एक रीजनल पावर जो चाइना भी मानता है, रशिया भी मानता है, उसको मानते हुए अगर आगे बढ़ने की कोशिश करे तो उसमें न तो मात्र भारत बल्कि पाकिस्तान का भी बेनिफिट है, वो जुड़ा हुआ है. जी जी, आफताब जी, आप क्या मानते हैं भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर इमरान खान कुछ कर पाए इतने समय में? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि पहले भी हमारी बहस इस पे होती रही है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ उस इश्यूज पर, मगर जब इमरान खान ने जब विक्ट्री स्पीच की थी तो उन्होंने सबसे पहले पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की बात की थी और उन्होंने उस वक्त भी ये होप दिलाई थी कि बराबरी की सतह पे हम जो है हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर रखना चाहते हैं. फिर नरेंद्र मोदी जी की इलेक्शन में गए तो उस वक्त भी उन्होंने की उनकी स्टेटमेंट आई कि मोदी जी अभी गए हैं इलेक्शन में, आई होप कि वो जब इलेक्शन जीत के आएंगे तो फिर जो है शायद हमारे ताल्लुकात और हमारे जो इश्यूज हैं एक दूसरे से वो जो है कम से कम हो सके और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट हो, बिजनेस हो. और माजी में भी आपने देखा कि नवाज शरीफ की हुकूमत में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को दिया और पड़ोसी और मैं और आप जो भाषा बोलते हैं, जबान बोलते हैं, कहीं ना कहीं हमारे कल्चर, हमारे जो है सब चीजें एक जैसी हैं. मंदिर यहाँ भी है, मस्जिद वहां भी है और इसी तरह से जो है लोग जो है यहाँ भी बसते हैं, उसी जबान बोलने वाले वहां भी. तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने उस वक्त भी यही बात की थी कि हम जो है ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, मगर आज जो मुद्दा है बेसिकली वो इमरान खान का है. अब उस पर फॉरेन पॉलिसी पे अगर बात करें कि क्या वजह बनी कि हिंदुस्तान के साथ उस तरह से बात नहीं बन सकी. ये इसलिए ये मसला अभी हम उठा रहे हैं लेकिन क्योंकि आज ही पाकिस्तान के जो मंत्री है शेख राशिद ने ये बोला है कि जो भी आज पाकिस्तान में जो हुआ है, जो भी इंसिडेंट हो रहा है, भारत खुश होगा. ये बयान कितना वाजिब है? भारत क्यों खुश होगा भाई? पाकिस्तान में जो हो रहा है हम क्यों खुश होंगे? जी, मैंने बहुत से टॉक शो में बैठकर आज मैंने कहा कि हमारे जो साबिक वजीर दाखला शेख रशीद और फवाद चौधरी थे, मैं उनको वही समझता हूँ जैसे कपिल शर्मा शो में अगर आपके पास जगह है तो हम उनको भेजने के लिए तैयार हैं, वो अच्छी कॉमेडी दोनों कर लेते हैं, आप उनको ले लें. जी, मैंने कहा उनको हम भेज लेते हैं, आप उनको कपिल शर्मा शो में ले लें
क्योंकि बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं हमारे दोनों मंत्री ये। जी, तो ये जो बयान आया है, ये देना कितना वाजिब है आज के दिन, क्योंकि इतनी हलचल वहां पर हो रही है और शेख राशिद ये ऐसा बयान दे रहे हैं कि भारत खुश होगा। भाई भारत क्यों खुश होगा? आपके देश में हलचल हो रही है, वहां पर लड़ाई हो रही है, हम क्यों खुश होंगे? मैंने कहा कि जी पाकिस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर अलमिया ये है कि जैसे लालू प्रसाद यादव साहब का मैं रेफरेंस दूं कि उन्होंने एक दफा ऑन द फ्लोर कहा था कि मेरी राज्य में जो है आलू और बैंगन का प्याज जो है बढ़ गई है, उसमें पाकिस्तानी आएसा है और पाकिस्तानी फौज कहाँ थे। इसी तरह हमारे यहाँ भी वही ऐसे सियासतदान पाए जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ भी होता है तो वो हिंदुस्तान या फिर अमेरिका उसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये दोनों जी तरफ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो हर जगह पे ऐसी बातें कर लेते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, सिर पाँव नहीं होता। अमित जी, आप शू कहशो? कारण के शेख राशिद नो आज निवेदन छे कि भारत खुश થશે, અને જે રીતે આફતાબજી પણ કહી રહ્યા છે કે સર માથા વગરની વાત છે, માથા ધડ વગરની હોય તો આ પ્રકારની વાત છે। અમિત જી, આપનો અવાજ નથી પહોંચી રહ્યો મને। જી, આપનો અવાજ નથી આવતો। પરિમલ ભાઈ, આ સ્ટેટમેન્ટને આપ કઈ રીતે લઈ રહ્યા છો? હિન્દીમાં કહેશો જેથી આફતાબજી પણ સમજી શકે। संजय जी, मैं एक बात आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इमरान खान ने पॉलिटिकल सुसाइड ऐसे किया है कि जो आपको आफताब सर भी बताएंगे कि जिसका कोई आधार नहीं है। वो एक ऑफिशियल ऑफ द फोरम जो बात होती है वो अमेरिका की बात को उन्होंने रीजन बताया और डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर ने भी वो एंडोर्स करके जो उसकी मोशन थी उनको रिजेक्ट किया। पूरे पाकिस्तान में आज चर्चा यही हो रही है कि ये अमेरिका को टारगेट करके अपना उल्लू सीधों का सीधा करने के लिए ये बात जो इमरान खान ने बताई है ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं है। मैं अब पास्ट में ले जाना चाहता हूं संध्या जी, जी जब अफगानिस्तान में सोवियत ने जब युद्ध किया था तब मुजाहिदीन को सपोर्ट करने वाला कौन था? पाकिस्तान था। उस समय अमेरिका की सपोर्ट करने वाला कौन था? पाकिस्तान था। आप अफताब जी से पूछिए, अमेरिका कोल्ड वॉर में पाकिस्तान उनका साथी था। आज पाकिस्तान अमेरिका को अपना दुश्मन मान रहा है। चलो दुश्मन माने वो बात अलग है, लेकिन पूरी सरकार गिराने में अगर वो ये रीजन आगे करते हैं, आप समझ लो एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के होद्दे से ये शोभा नहीं देता, ये ओछी बात लगती है। दूसरी बात, उनको 342 पार्लियामेंट्री मेंबर है, इसमें से ज्यादातर लोगों ने उनकी पार्टी के लोगों ने भी बताया था कि हम इमरान खान जी के साथ नहीं है, तो वोटिंग करने में क्या उनको तकलीफ थी? ज्यादातर ओपोजिशन के साथ उनके पार्टी के लोग भी मिल गए थे। उनके यहाँ जहां डिनर डिप्लोमेसी थी परसों, वहां भी 142 से ज्यादा लोग आए नहीं थे। उनको पता चल गया था कि अब मेरा शासन चलने वाला नहीं है, जो कॉन्फिडेंस मोशन आने वाला है इसमें मैं हारने वाला हूं, फ्लोर पे अगर मैं हार जाऊंगा तो मेरी इज्जत जाएगी। उनके सेफ रास्ता निकालने के लिए विकेट लेके चले गए, लेकिन उन्होंने अमेरिका का जो टारगेट किया और इंडिया की जो विदेश नीति का उन्होंने जो अपना बताया एक उदाहरण दिया, ये बताता है कि इमरान खान के पास बचने के लिए कोई रास्ते नहीं है। आप आने वाले वक्त में देखेंगे पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ जो आवाम है वो भी नाराज है, पॉलिटिकल पार्टी नाराज है, कोर्ट पे सारी रूख अभी देखी गई है कि कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। जैसे आर्टिकल 69 का वो लोग हवाला देते हैं कि वो इंटरवेन नहीं कर सकते, लेकिन वो सुओ मोटो हो ही आप देखेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट अगले आने वाले टाइम में वो भी कुछ करेंगे। कुल मिला के मुझको ऐसा लगता है संध्या जी कि इमरान खान ने उनको पिछले 2 महीने से लग गया था कि अपनी पार्टी में ही उनको अनरेस्ट है, उसको कैसे बचाना है वो कोई रास्ता नहीं मिला। इसकी वजह से उन्होंने अमेरिका को अपना हथियार बनाया, रशिया गया उनका हवाला दिया। वैसे कोई ऐसी बात नहीं थी, उनकी पार्टी ने लोगों ने बताया है, ऐसा कोई रीजन नहीं है। अमेरिका के साथ रिश्ते बिगाड़ के अमेरिका उनको फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि पास्ट में बिलियंस ऑफ डॉलर की हेल्प अमेरिका ने पाकिस्तान को की थी। जब इंडिया के साथ रशिया था तब अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। आज भारत की विदेश नीति की वो सराहना कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है संध्या जी, जी। आफताब जी भी बताएंगे इमरान खान के पास आने वाले वक्त में ये पॉलिटिकल सुसाइड के बाद
कोई रास्ता नहीं मिलेगा, अपना जो वजूद था पब्लिक में वो भी उन्होंने खो दिया है और इससे अपनी वो सत्ता नहीं बचा पाएंगे, वो मैं मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आफताब जी भी वही बात कर रहे हैं, अमेरिका का जो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिका ना कारण आउट थई रह्यू छे, अमेरिका पैसा आपी रह्या छे, कोथळा भरी भरी ने पैसा आपे छे अमेरिका ने, जेना कारणे पाकिस्तान मां जे स्थिति थई छे, तेमनी जे स्थिति थई रही छे तेना तेनो ए जे भोग बन्या छे अमेरिका ना कारणे बन्या छे। शुं तेओ पोतानी सत्ता बचाववा माटे अमेरिका नुं नाम लई रह्या छे અને બચવા માટે જો આવું કરી રહ્યા હોય તો ઇમરાન ક્યાં સુધી બચી શકશે, સવાલ એ છે। સુપ્રીમમાં કાલે શું થશે તે પણ જાણવા માટે આપણે પાકિસ્તાન ફરી જઈશું, કારણ કે પાકિસ્તાનથી આપણી સાથે પત્રકાર આફતાબ મંગેરી જે આપણી સાથે જોડાયેલા છે, એક બ્રેક બાદ મળીએ।